सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नया ब्लॉग में। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है, ड्यूक 250 के एडवांटेजेस, मतलब जो भी है बढ़िया चीज़ एडवांटेजेस वो क्या क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली इसका लुक, भाई भाई क्या खतरनाक लगती है इसका लुक। KTM ड्यूक 1290 जो आता है 1290 का, उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है, ठीक है, जो कि 1290 वाली तो भाई बहुत तगड़ी लगती है, उसके कंपैरिजन में भाई ये तो है ही नहीं, लेकिन ठीक है उससे मिलती जुलती थोड़ी बहुत लगती है ये, जो कि 250 या 390 सेगमेंट में भाई ड्यूक मतलब जो भी नेकेड बाइक है उसमें बहुत बेस्ट लुक है इसका, दम धांसू सा एकदम मस्त सा, ठीक है। तो ये एक पहला एडवांटेज है ड्यूक 250 का। और इसका दूसरा एडवांटेजेस ये है कि भाई ये जो ड्यूक 250 है ना वो 250 सीसी के सेगमेंट में सबसे तगड़ी बाइक है, 250 या कह सकते हैं मतलब 200-250 सीसी के सेगमेंट में, क्योंकि भाई इसका एक्सीलरेशन और पिकअप इतना फास्ट है ना कि क्या बताया जाए। इसका टॉप इंड जाता है 150-155 तक, ठीक है, और एक्सीलरेशन अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो और जैसे ग्रीन लाइट हो अगर फुल स्पीड में निकाले तो भाई सारी बाइकें पीछे छूट जाती है इसके आगे, जो कि बहुत सही लगती है। ये लुक देख लो भाई क्या यार। इसका एक और एडवांटेजेस ये है कि इसका जो सर्विस का टाइम होता है ना बहुत मतलब लंबे पीरियड तक होता है, मेंटेनेंस और सर्विस जो भी कहते हैं इसको, क्योंकि अभी तक मेरी 10,000 किलोमीटर चलने वाली है और तीसरी सर्विस भी अभी नहीं हुआ है, मतलब तीसरी सर्विस होने वाली है, और बाकी अगर बाइकों के मुकाबले करें तो वो 10,000 चल चुके हैं तो कम से कम 4-5 बार सर्विस हो जाती है, जो कि KTM ड्यूक एक इस मुकाबले में पैसा सेव करती है आपका। बाकी तो मुकाबले में भाई पैसा बहुत खर्चा कराती है, चाहे आप माइलेज की बात कर ले या मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मेंटेनेंस थोड़ा कम लगता है इसका। और इसका एक और एडवांटेजेस है कि जो कि BS4 में जो ये एग्जॉस्ट पाइप आता था ये अंदर से होके आता था, ठीक है, जिससे इंजन बहुत ज़्यादा हीट होती थी और जो पैर में बहुत ज़्यादा हीट की मतलब गर्मी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब BS6 में बाइक को नीचे से मतलब बेंड करके एग्जॉस्ट पाइप लाया गया है जिसकी वजह से मतलब हीट अब कम होता है, ठीक है। भाई बाइक अगर दूर से दिखती है ना भाई क्या तगड़ी लगती है भाई, अगर ऐसे खाली रास्ता में खड़े रहे और कोई इस रोड से गुजरे तो एक बार बाइक को जरूर देखेगा क्योंकि लगती इतनी खूबसूरत है यार। और इसका एक और एडवांटेजेस है कि जो इसका सीटिंग पोजीशन है, चाहे आप पिलियन का देख ले या आप ड्राइवर सीट का देख ले, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो इसका जो सीट की कुशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग ट्रैवल भी करना चाहें टूरिंग भी करना चाहें तो इस बाइक से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी अगर फेयरिंग बाइक जैसे R15 हो गई या कोई भी जिक्सर 250 हो गई तो उसमें आपको मतलब थोड़ा एग्रेसिव बैठना पड़ता है, या RC हो गई उसमें थोड़ा एग्रेसिव बैठना पड़ता है जिसकी वजह से आप लंबे दूरी तय नहीं कर सकते, बिकॉज कमर उमर में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से। आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगो, अगर एडवांटेजेस वाली जो भी, अगर इसमें और भी ऐड करना तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।